नमस्ते मालिक, और सब ठीक है ना? अभी तो भैंस के तबेले हैं, वक्त आने दो, पालेंगे हाथी। अपना तो सब ठीक है, लेकिन अपनी भैंसियों के दुख हमसे देखी ना जाती। ऐसा क्या कहाँ टूट गया मालिक? मौसम का मार ऐसा है कि पंखा भी गर्म हवा देती है और हम तो चले जाते हैं पेड़ के छांव में, पर इन भैंसियों को टेम्परेचर की मार तबेले में ही झेलनी पड़ती है। बात तो सोचने वाली है मालिक, आप एक काम करिए, तबेले में एसी लगवा दीजिए। भैंसी तो वैसे भी गर्म होती है, भैंस के साथ हमें भी ठंडा रखेगी। और आइडिया तो मस्त है, लेकिन तबेले में एसी कैसे लगेगी? अरे ये सोचने का काम आपका थोड़ी है ना मालिक, मैं अब भी गूगल करके एसी कंपनियों वालों का नंबर निकालता हूँ। आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, वो बताएंगे कितने का लगेगा और कैसे लगाना है। ये बात तो सही कही तुमने, अभी इंसान सिर्फ अपने हाथों पिछवाड़ा ही धो रहा है, बाकी सब काम ऑनलाइन हो रहा है। ले लीजिए मालिक। नमस्कार सर, मैं नवरत्न एसी की तरफ से बात कर रही हूँ, कहिए आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ऐसा कोई हमारे खिलाफ आंख उठाने वाला नहीं जिसे हमने धुना नहीं, और नवरत्न तेल तो बहुत लगा है पर एसी के बारे में कभी सुना नहीं। जी सर, हम तेल से ठंडा किया करते थे और अब एसी से भी ठंडा करना शुरू कर दिया है, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? कड़कती धूप, बढ़ती गर्मी, स्कूटी के सीट पर बैठते ही जल जाता जमाना है, और हमारे एक होनहार वर्कर ने बताया है कि एसी लगवाना है। मतलब सर, स्कूटी की सीट में एसी लगवाना है? देसी हवा तो बहुत खा ली है, अब एसी का हवा खाना है, और वो शायरी के चक्कर में कुछ भी लपेट देते हैं। मेरा कारोबार वाला एक बहुत बड़ा जगह है, वहाँ एसी लगाना है। जी सर, लगा देंगे हम, उसके लिए तो है। कितने टन की एसी चाहिए? गाड़ी होते हुए भी साइकिल से चलते हैं हम, राजा हैं मन के, और कोई 25-30 किलो वाला बताइए, क्या दुकान खोलेंगे लेकर टन के? सर मतलब जहाँ लगाना है वहाँ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। घेरे हैं चारों तरफ से, सिक्योरिटी टाइट है, और ऐसा कभी मापा नहीं, लेकिन 50-50 की लंबाई चौड़ाई और 10 फीट की हाइट है। सर आपका एरिया पूरी तरह पैक है ना? अरे इधर सोना चांदी थोड़ी ना है जो पैक करके रखेंगे। मेरे काम के बारे में बकने वाला कुछ भी बकेंगे, और इधर हीरे मोती थोड़ी रखे हैं जो पैक करके रखेंगे। तो सर एसी लगवाने के लिए आपको पैक कराना होगा ना? थोड़ा पैसा होने दो, कारोबार भी बढ़ा लेंगे, और आप पहले एसी तो लगाओ, हम पैक भी करा लेंगे। सर किस चीज की कारोबार है आपकी? ना ही कोई बड़ी कंपनी, ना ही सेंटर में सरकार है, हमारा तो घास इम्पोर्ट और दूध एक्सपोर्ट का व्यापार है। सर मैं समझी नहीं। भैंस का तबेला सीधा बोलिए ना मालिक। हर कोई अपने में व्यस्त है, सब पैसे का खेला है, पूरी दुनिया की जरूरत हमसे जुड़ी हुई है, अपना तो भैंस का तबेला है। क्या? तो क्या उस समय से आप भैंस के तबेले में एसी लगवाने की बात कर रहे थे? कोई हमें कुछ बोले उसका गम नहीं, और मेरे काम को कुछ मत बोलिएगा, मेरे लिए मेरा तबेला अंबानी के कंपनी से कम नहीं। सॉरी सर, गुस्सा मत करिए, मेरे कहने का मतलब था अगर आप भैंस के तबेले में एसी लगवाएंगे तो आपके खर्च बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या आप हमको गरीब समझ रही हो? हमारे यहाँ दूध लेने के लिए अमीर लोग लाइन लगाते हैं, तबेले में है 100 भैंसिया, एक एक 1 लाख के आते हैं। सर मैं अपनी कंपनी की दूसरी ऑप्शंस बताना चाहती हूँ, आप नवरत्न तेल का ड्राम ऑर्डर कर लीजिए और रोज सुबह अपनी भैंस को मालिश कर दीजिएगा, दिन भर ठंडी रहेगी। मालिक ये भैंस को तेल लगाने का काम मेरे से नहीं होगा। करोड़ों का तबेला चलाता हूँ, बेवकूफ नहीं जो मुझे समझाओगी, तेल का टैंकर तो ले लेंगे, क्या रोज सुबह भैंस को लगाने आओगी? सर मैं आपकी फोन पे सहायता करने के लिए हूँ, भैंस को तेल लगाने के लिए नहीं। मैं कमाने का अवसर दे रहा हूँ, आप कस्टमर भगाने की बात कर रही हो, मैं एसी लगाने की बात कर रहा हूँ और आप तेल लगाने की बात कर रही हो।
मैं कहाँ मना कर रही हूँ सर। आप अपने तवेले में एसी लगवाए, सोफा लगवाए, पलंग लगवाए या फिर डिस्को लाइट लगवाए, अगर अभी कुछ कम पड़ गया हो तो हमारे इंजीनियर्स आपके यहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, आप उनको बता दीजिएगा। हमारी तरफ से गुड लक, गुड बाय। अरे मालिक, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? जरा सोचिए, तवेले में एसी, सोफा, पलंग और साउंड सिस्टम के साथ साथ डिस्को लाइट भी होता तो लोग टिकट कटा कर आते और भैंस डांस करती। यार आइडिया तो झकास थे इसके, इस पर हम विचार करेंगे और अपने भैंस को स्मार्ट भैंस बनाएंगे और बाहुबली फिल्म जैसा अपने तबेले का प्रचार करेंगे।